शव गिराया गया तो कुछ आवाज आई थी। हाँ जी। तो आपने क्या कुछ हो गया, ऊपर जाकर देखा? ना जी, ऊपर नहीं देखा, मैं तो गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठ गई? हाँ, उनके घर, मतलब दरवाजे में, राजेश के घर बड़गी में। अच्छा अच्छा, राजेश के घर में। हाँ। तो फिर उसकी माँ मिली मन उतर दी, तो तीन पैड़ी था, नीचा थी चौथी पो खड़ी थी। अच्छा अच्छा। पहले मैं बुढ़िया के घेर का आई, वाको वाह मैंने कुछ भी घेर का आई, मैं तो बता के घेर का आई, पहले आगा वाह बोली भाई। अच्छा। फिर जो उसकी अंदरिक सासू में आया, मैंने उसके कान लगे मैं देखी उनकी छात्र में जाकर मैं देखी मटीन पके गिर का ही। तो उसकी सासू अंदरिक सासू चढ़ी तो वह बोली आए उड़ तो बच्चा पड़िया करड़ी तो करड़ी सा जमीन ने ची उन्होंने। ठीक है, मैं तो उसकी ताई लगूँ तो जस के। हाँ। साथियों नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं करनाल जिले के इंद्री हलके के गांव कमालपुर उड़ान में, और एक मामला पूरे भारतवर्ष में चल रहा है कि जो पूरे भारतवर्ष की धड़कन है वो तेज़ कर रखी है, जो जस का मामला है। एक 4 साल के बच्चे की निर्मम हत्या की गई है, तो उस हत्या में 4-5 लोगों का जो नाम आ रहा है वो उठाए गए हैं। तो आज हम सारी बातचीत करांगे, सारी बातचीत पूछाएँ किस तरह का क्या मामला था। जो राजेश का मकान है वो आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, ये राजेश का मकान है, और जिस जगह वो बच्चा जो जस था उसका शव मिला था, तो इस जो टीन की चादर है इस पर चादर के ऊपर फेंका गया था। तो और जिसमें नाम आया है राजेश, उसकी पत्नी और उसकी माताजी जो उठाए गए हैं वो मकान है। और उसके बाद अगर जस के मकान की बात करें तो ये जस का मकान है, और इस साइड में एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये मकान है, ये अंजलि का है जो 4 दिन बाद उठाई गई है, जिस पर हत्या का आरोप है, ये अंजलि का। ये बिल्कुल ही इकट्ठे मकान है। और थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि जो परिवार है इनका, जो एक दादा की संतान है ये, आज अगर बात करा तो रिश्ते हैं वो, रिश्तों में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दरार आई है। तो अगर बात करना चाचे ताऊ ही ये सारे पकड़े जा रहे हैं, बहुत बड़ी दरार बना है। एक अगर समाज में देखा जाए तो उनका बहिष्कार भी किया गया है। पंचायत इकट्ठी हुई थी, उस पंचायत ने एक बड़ा फैसला लिया था कि इनका जो सामाजिक बहिष्कार कराएंगे, इनको गांव में नहीं कुछ नहीं देंगे। तो सारी बातचीत हम इनसे पूछेंगे, लेकिन ये जो चद्दर है, ये चद्दर आपको एक बार दिखाना चाहूँगा जहाँ पर जो जस था उसका शव मिला था, तो सारी बातचीत हम करेंगे। तो जो महिलाएं हैं उनती देखिया कि अभी जस का शव गिरा है, तो उसकी आवाज़ आई है, ये छप्पर है और इसके नीचे जो गौ माता है वो गौ माता बन रही है, इस छप्पर पर उन पापियों ने उस जस के शव को फेंका गया है। तो किस तरह क्या पता चला है वो माता जी, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे। ताई जी है, इनसे बातचीत कराएँ किस तरह के पता लगे। ताई जी, जब शव गिराया गया तो कुछ आवाज़ आई थी? हाँ जी। तो आपने क्या कुछ हो गया, ऊपर जाकर देखा? ना जी, ऊपर नहीं देखा, मैं तो गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठ गई? हाँ, उनके घर, मतलब दरवाजे में, राजेश के घर बड़गी में। अच्छा अच्छा, राजेश के घर में गई। हाँ। तो फिर उसकी माँ मिली मन उतर दी, तो तीन पैड़ी था, नीचा थी चौथी पो खड़ी थी। अच्छा अच्छा। पहले मैं कहा बुढ़िया के घेर का आई, वाको वाह मैंने कुछ भी घेर का आई, मैं तो बता के घेर का आई, पहले आगा वाह बोली भाई। अच्छा। फिर जो उसकी अंदरिक सासू में आया, मैंने उसके कान लगे मैं देखी उनकी छात्र में जाकर मैं देखी मटीन पके गिर का ही। तो उसकी सासू अंदरिक सासू चढ़ी तो वह बोली आए उड़ो तो बच्चा पड़िया, पहले पब्लिक तो फिर रही थी लाले, कोई सो थोड़ी रहा था, कोई फिर लाले। हाँ, पहले इतना मना देखा बेटी, इतना मना बता दिया। अच्छा अच्छा। तो फिर और भी कौन कौन चढ़े फिर ऊपर देखने? उन नहीं चढ़े, मना उनके, तो फिर पब्लिक जुड़ गई, फिर मना नहीं इतना, मतलब और मेरे पप्पर भी चढ़ा गया। अच्छा। हाँ, मैंने ऊपर चढ़ी बेटे ना, मैंने बॉडी देखी ऊपर जा। तो किस किसने देखे थे आप, कौन कौन थे उरे? खड़ा पूरा जो अपना आवाज सुनी नहीं आप? हाँ। और आप भी, बच्चे तो मेरे पोते तो सो रहे थे दोनों। अच्छा। लाले भाई उनके लिए दर्द पुलिस वाले गल क्यों जो गांव में थी तलाशी, और मैं बहुत गोबर घास घेरे थे, और मैं गोबर सी हम दो ही जाग रहे थे दो ही नम। और ताई जी टाइम कितना का काय बज रहे थे? टाइम बेटे देख न्यू तो टाइम देखे उस टाइम में अंदाजा 5:30 हो या 5 बज रहे होंगे। अच्छा, टाइम तो बेटे यूं था बस। हां, ये मुझे कोई बात का टाइम थोड़ी देखना जा, जो आदमी बात अचानक पड़ जाए उसने किसी चीज की नंद फिर। हां, जितना मन देखे बेटे इतना मन बताया। देखो इतने छोटे बच्चे को मैं देखो भी। हां, देखो छोटा है, 4 साल का बच्चा, एक भगवान का रूप हो है छोटा बच्चा, पता उसका तो बेटे सारे देश ना देख दुख है इस बात का, तो आप भी देख रहे होंगे नहीं। हाँ, फिर आप सोच ले इस बात में देखा जाए ताई जी 4 साल का बच्चा, हम तो 1 महीने आए थे बेटे उरा। अच्छा, हम नहीं आते, हम मर तो नहीं आई लग रही थी, मर तो डांगर थी उरा पहला।
पहले माने का किसी के मकान में फिर आपने बुंडे छाट छवा रैलिंग सामान तो बारी पड़े मतलब थोड़े दो बड़े खान पीन से ले रखे तो जिसने यूं काम करे है कि मान लो सजा के सजा के सजा मिलनी चाहिए साथ मिलनी चाहिए बेटे भी जो देख ले करड़ी तक करड़ी सजा मिलनी चाहिए ठीक है और बाकी में तो ठीक ही खाइन दनोगे मन वो कर दिन ला बता दिया मतलब बेटे करड़ी तक करड़ी सजा मिलनी चाहिए जस की के लागो वहां पे मैं तो उसकी ताई लगूं तो जैसे कि और जो एक परिवार जो दादा एक दादा ही बुलाया था उसमें आओ क्या ना दिया मैं तो इनका परिवार अलग है मेरा मेरा तो परिवार ही अलग है इनका जो इनका परिवार ही तो इनका अपना सारा तो मेरा परिवार तो बाहर जा रहा ताई जी अगर देखा जे चार साल का बच्चा दुश्मन का ही बिक जाए भगवान का रूप पे हो बहुत बड़ा पाप करे हम देवी हाँ बेटे बड़ा पाप करे बड़ी तकड़ी गलती इसकी चीज का इंसाफ मिलना चाहिए ठीक है ठीक है ताई तो ऊपर दिखावांगे जिस जगह उस का सब डाला गया था गिराया गया था तो अभी आप ना ऊपर दिखाओ चल के तो जिस जगह जिसकी जिसका सब मिला है तो वो टीन है इस टीन के ऊपर फेंक किया गया है तो बड़े एक बुरी हालात में था और जो महिला है उनकी आवाज़ सुनाई दी तो महिला थी जो उस जगह गई है जो राजेश की माँ उससे पूछा क्या डालिया है तो उसने मना कराया तो आपने पहला बयान भी देख लिए और जो परिवार वाले हैं परिवार वाले ने फिर इकट्ठे हो गए पब्लिक जुड़ गई क्योंकि पहला पूरा मामला था सेंसिटिव हो चुका था पुलिस प्रशासन भी था और भी बहुत से जुड़ रहे थे एक बाबा बेशक था पहले तो लेकिन फिर जब उसके उसका शव गिरा तो देखा गया पूरी पब्लिक आएगी थी और बुरी हालात में उसका शव था और आपने देख लिया कि देखो उस साइड है वो अंजलि का मकान है और इसके लगते ही बिल्कुल लगता है जो ये पानी की टंकी रखी है ये अंजलि का मकान है और इसके बिल्कुल सामने ये जिस पर काली टंकी है ये जस का मकान है और आपने दिखाना चाहोगे ये मकान है जो ये राजेश का है जिसको पूरे परिवार को गिरफ्तार किया गया है और जो ये खंडर है देखो ये खंडर पड़ा है और बताया जा रहा है कि इस खंडर के जरिए ही उसको ले जाया जा रहा था या यहीं से फेंका गया है कुछ सवाल ये भी है कि यहाँ से जो राजेश की माता जी है यहाँ फेंकने के लिए आई थी लेकिन इस टीन पर पड़ गया कुछ ये भी परिवार द्वारा बताया जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जो पुलिस प्रशासन वो भी सवालों के घेरे में है कि 6-7 8 दिन हो गए आज अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया क्योंकि 6-7 दिन हो गए अभी जो ये परिवार थे ये भी उठाए गए अंजलि भी उठाई गई है और इसका अभी तक कारण नहीं पता चला है कि किस कारण उसकी हत्या की गई जो 4 साल का जस था उसकी निर्मम हत्या करी गई है क्या किस कारण से करी गई है कुछ इसको तांत्रिक से भी जोड़कर देखा जा रहा था लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है तो करनाल प्रशासन लगातार इसमें लग रहा है क्या कुछ बड़ा इसमें फैसला रहेगा तो अभी तक एसपी साहब सामने नहीं आए हैं तो वो मीडिया से रूबरू होंगे कभी भी कोई भी बड़ा खुलासा हो सकता है और जो राजेश का परिवार है और अंजलि है उनको गिरफ्तार किया गया है जिस पर हत्या के आरोप हैं और साथियों जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कभी ऐसी और कोई घटना ना हो ताकि जो समाज है उसमें ये संदेश चला जाए कि जो एक परिवार ने जो एक दादा की औलाद थी कहीं ना कहीं वो रिश्ते हैं तार तार हुए हैं और इनमें एक बहुत बड़ी दरार आई है ये एक दादा की औलाद हैं जो राजेश के पिताजी है और जो जस के दादाजी है वो कहीं ना कहीं एक दादा पांच भाई थे वो देखा जाए तो एक दादा की औलाद थे ये सारे तो एक परिवार का ही मैटर है ये तो एक 4 साल के बच्चे की हत्या करनी कहाँ का न्याय है और एक निर्मम हत्या बिल्कुल ही गलत हुआ है पूरे देश को इसकी ठेस पहुंची है और ये इनको कम से कम कड़ी सजा मिलनी चाहिए तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।